बात करने वाले डबल एसपी वर्सेस आईएसटी के बीच होने वाले आज के दूसरे ईसीएस टी10 मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितना और बॉलिंग करके देने वाला है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बेटल क्या होगा, सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस एक ही चीज का आपको ध्यान देना है, ये जब आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा, ये एक हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर्स की टीमों की, मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने के बाद मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम हो वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए आकर के 5 मिनट में अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे 73,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले इससे फ्री में ज्वाइन है। आप भी ज्वाइन हो जाना, आगे आने वाले मैचेस कोई भी मैच होगा जिसमें भी मैं अपने पैसे लगा रहूँगा उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पर भेज दूंगा आखिर के 5 मिनट में। आप भी हमारी दी हुई टीम से खेल सकते हो, यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी के टाइटल को आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुँच जाओगे, सबसे ऊपर आपको लिंक पिन क्या हुआ मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन क्या हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के ऊपर टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि दोनों की दोनों काफी ज्यादा स्ट्रांग टीम है। आईएसटी की टीम ने इस सीजन में अपने आखिरी जो 6 मैचेस के लिए 6 के 6 मैच जीत करके एक भी मैच अपना हारी नहीं है, और वहीं जो सामने वाली टीम है डबल एसपी की टीम ने सीजन में अपना एक ही मैच खेला है वो जीत कर करी है, बाकी बच्चे इनके सारे मैच कैंसिल हो गए बारिश की वजह से। सबसे पहले मैं आपको कहूँ यहाँ से आपके लिए कोई भी अच्छा ऑप्शन रहेगा ही नहीं, ये लोधी का भी बल्लेबाजी क्रम काफ़ी नीचे है, बॉलिंग करेगा नहीं, वी जैकॉब भी बिल्कुल अच्छा प्लेयर है नहीं, मजबूरी में मैं यहाँ से बी कॉन्स्टेंटाइन को लेकर के चल रहा हूँ जिसका नाम भले विकेट कीपरों में लेकिन काम ही आपको बॉलर्स वाला करके देने वाला है, बल्लेबाजी में 10वें नंबर करीब आएगा, बॉलिंग से आपको 1 ओवर करके दिया हुआ पहले मैच में, बाकी इसके अलावा कोई अच्छा प्लेयर है नहीं। बल्लेबाजी ऑप्शन है देखो सिद नायर जो कि बल्लेबाजी में भी तीसरे पे आ जाएगा और आपको बॉलिंग से भी 1 ओवर करके दे सकता है, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीजें आपको करके दे सकता है, तो ऐसा प्लेयर मैं इसको लेकर के चलने वाला हूं। आई इलेक्ट जो कि मेनली ओपनर है लेकिन आज के पहले मैच में एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां पर इसको बल्लेबाजी में तीसरे पे भेजा गया है, और प्लेयर ऐसा है जो कि हर बॉल पे छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, लगभग किसी भी मैच में जल्दी फ्लॉप हो ही नहीं रहा है और काफी लंबे लंबे रन बना करके दे रहा है, मैं एक बार फिर से इसको लेकर के चलने वाला हूँ। आई अतुल्ला की बात करूँ, कई बार 2 मैचेस इस सीजन में ऐसे गए हुआ जहाँ पे ऐसा ओपनर आया हुआ है, बाकी बच्चे वो सभी मैचेस में इसका बल्लेबाजी क्रम भी काफी नीचे रहा है, मेनली जो है ना बल्लेबाजी में 4 नंबर पे आने वाला प्लेयर है कि कभी भी 4 पे भेजा ही नहीं जा रहा है, और बॉलिंग से भी 2 या फिर 3 ऐसे मैचेस गए हुआ जहाँ पे इसने 1-1 2-2 ओवर बॉलिंग कर रखा है, बाकी अभी मैं इसको ना लेकर के टी मोहसिन को लेकर के चलने वाला हूँ, मेनली जो है ओपनर है, लेकिन इस सीजन में अगर आप आखिरी के 4 मैचेस में देखोगे ना तो उससे सिर्फ 1 मैच में ऐसा ओपनर भेजा गया, बाकी बच्चों 3 मैचेस में इसका बल्लेबाजी क्रम नीचे कर दिया गया, ये दोनों में से जिसको भी मौका मिल जाएगा वही आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, जरूरी नहीं है कि दोनों को मौका मिले, हो सकता है कि किसी एक ही को मिले, हो सकता है दोनों को भी मिल जाए, बाकी यहाँ से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। और रनिंग ऑप्शन है के कृष्णा कुमार, पहले ही मैच 100+ रन बना करके दिया हुआ है, बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आ रहा है, हर बार पे सिक्सर किंग प्लेयर है, अगर चल गया तो एक बार फिर से आपको 50-70 रन बना करके दे सकता है, लेकिन सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टीम है, इस समय जो थी ना त्रेकिया जैसी कमज़ोर टीम थी तो वहाँ पे काफ़ी लंबा खेला, यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद से ऐसा हो कि ये फ्लॉप हो जाए, अगर डबल एसपी की टीम को ये मैच हारना होगा ना, सोफिया की टीम को ये मैच हारना होगा तो के कृष्णा कुमार जरूर फ्लॉप होगा। एम ओसबेक जो कि मेनली बॉलर है, बॉलिंग से आपको 2 ओवर पूरा करेगा, यही वो बॉलर है जिसके दम को इस यहाँ पे इस्तानबुल की टीम इस सीजन में 3-4 मैचेस इसी के दम को जीती हुई है। अली तुर्कमेन जो कि इस समय आईएसटी की टीम ओर से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में कई बार ऐसा ओपनर आ रहा है, कई बार तीसरे पे आ रहा है, कई बार 6 पे आ रहा है, कई बार 9 पे आ रहा है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, आज के पहले मैच में ये ऐसा ओपनर आया हुआ है, लेकिन मेनली इसका बल्लेबाजी क्रम जो है ना तीसरे नंबर का प्लेयर है, प्लस आपको बॉलिंग से भी 2 ओवर पूरा करके देने वाला है। सैयद अली का खेलेगा तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है लेकिन खिलाया नहीं जा रहा है। एन जॉर्ज जो कि बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आएगा, प्लस आपको बॉलिंग से भी 1-2 ओवर पूरा करके देने वाला है, तो ऐसा केवीसी भी आप इसके ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो अगर आपको लग रहा है कि डबल एसपी की टीम में जीतने वाली है। इसके अलावा यहाँ से जे जॉन जो कि बल्लेबाजी में 4 पे आ रहा है,
और एक ओवर के करीब आपको बॉलिंग करके दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि डबल एसपी की टीम में जीतने वाली है तभी आप इसको लेकर के चलना, वरना फिर उतना भी अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि बॉलिंग से एक ही ओवर करेगा और वहाँ पर क्या कर पाएगा क्या नहीं कुछ कन्फर्म नहीं है। अब बल्लेबाजी में भी 10 ओवर का मैच है, 4 नंबर पर आएगा, हो सकता है कि बल्लेबाजी आए ना, हो सकता है कि बल्लेबाजी आए तो लंबा खेल ना पाए और हो सकता है कि डबल एसपी की टीम भले ही यहाँ पर जीत जाए या हार जाए, जे जॉन फ्लॉप हो सकता है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए इसको लेकर के नहीं चल रहा हूँ, कोई ज़्यादा मौका मिल नहीं रहा है। यहाँ से बॉलिंग ऑप्शन है अली रसूल जो कि 2 ओवर बॉलिंग पूरा करके देगा, जीशान इकबाल 2 ओवर पूरा करेगा, एम ओस तुर्क 2 ओवर पूरा करके देना चाहिए, एम ईसा तुर्कमैन और यहाँ से एम तुर्कमैन, ये दोनों बॉलर्स का मिलाकर आपको 3 ओवर करीब बॉलिंग देखने को मिलेगा, 3 ओवर के करीब बॉलिंग देखने को मिलेगा, किसी एक को 1 ओवर किसी एक को 2 ओवर। केविन जॉर्ज कोई इतना अच्छा प्लेयर है नहीं, एक ही ओवर बॉलिंग करेगा तो बिल्कुल भी लेने को नहीं कहूँगा। पे अगर आपको लेना है तो यही 4 प्लेयर्स में से किसी 3 को लेकर के चलना है, यही 4 प्लेयर है जो कि आपको अच्छा खासा बॉलिंग करके देंगे। मैं आपको ये कहूंगा कि ये तीनों बॉलर्स का मिला करके 5 ओवर बॉलिंग के एसके की टीम इसको देने वाली है, इजानपुर की टीम, ये तीन बॉलर्स का मिला करके 5 ओवर। अभी मैं यहाँ से जैद इकबाल और एम ऑसोर को लेकर के चलने वाला हूँ, आप चाहो तो जैद इकबाल को ना लेकर के एम ईसा तुर्कमैन को लेकर के चल सकते हो। यहाँ पर अगर आप चाहो तो किसी को निकाल करके जी जॉन के ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो, बल्लेबाजी ऑप्शन आप चाहो तो टीम मोहसिन को ना लेकर के आइए तो लक पर रिस्क लेकर के चल सकते हो। बाकी यहां से कोई इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। कैप में लेकर के 3 प्लेयर्स को कहूंगा जिनमें पहला नाम है यहां से एम उज़्बेक का, दूसरा नाम है के कृष्णा कुमार का और तीसरा नाम है आई इलाका। ये तीनों प्लेयर आपके लिए ऐसा केवीसी नंबर 1 चॉइस रहेंगे, चाहे वो आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो या फिर जीएल की टीम क्यों ना बना रहे हो। मैं अभी कैप यहाँ से उज़्बेक को लेकर के चलने वाला हूँ, वीसी यहाँ से कृष्णा कुमार को लेकर के चलने वाला हूँ। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है, मान लो कि इसमें कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने के बाद कोई भी चेंज करना होगा तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम से आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जिसका लिंक आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से सबसे ऊपर पिन किया हुआ आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के ऊपर टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा यूजफुल लगा एक काम कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, सब्सक्राइब करना मत भूल।